अभी मटन बम्बू बन रहा है, मतलब बन चुका है, सर्व होने के लिए रेडी है। और हमारा ही है ना दोनों ऑर्डर। नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट दिस वन। ओके, मैं ढूंढ रहा हूँ, यहाँ मेरे पास ही है। अरे वाह, ये है पत्ता पोड़ा चिकन एट जीतू ढाबा, और इसका ये टेस्ट। वेलकम टू जीतू ढाबा। तो सब चले गए हम लोगों को छोड़ के। अच्छा है, मस्त है। अब हम हैं जीतू ढाबा के अंदर। अपर्णा मैम आदि और टेबल अरेंजमेंट। पता नहीं हमारा कौन सा टेबल है, हमारे बाकी गैंग लोग अंदर गए हैं, तो वो आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग, हाइजीनिक एंड ऑल। अब हम जा रहे हैं बैक यार्ड की तरफ। उसका पीछे वाला साइड वो फ्रंट साइड था, अब ये बैक साइड है। ओह वाओ, नाइस, वेरी नाइस गाइस। आप देख सकते हैं इतना अच्छा, वेल मेंटेड। कहाँ है बाकी सब? ओके, ये ऊपर वाला हिस्सा है जिसको अंदर आने के लिए मन करे अब अंदर आके खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना बढ़िया, बहुत ही अच्छा, वेल मेंटेन है और लोकल एरिया में फेमस। बैठने के लिए यहाँ पे खटियाज है, पूरा देसी प्रकार का जुगाड़। मैम हाउ यू आर फीलिंग? आई एम ऑलवेज फीलिंग रिलैक्स। पकोड़ा के पत्ता पूरा खिचड़ी के चिकन पत्ता पूरा दीजिए ना, और चिकन पत्ता पूरा पहले इसको, चिकन बम्बू पहले ठीक है। स्पेशल चटनी आइटम टेस्टी है भाई। अभी मटन बम्बू बन रहा है, मतलब बन चुका है, सर्व होने के लिए रेडी है। और हमारा ही है ना दोनों ऑर्डर। नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट दिस वन। ओके, मैं ढूंढ रहा हूँ, यहाँ मेरे पास ही है। अरे वाह, ये है पत्ता पोड़ा चिकन एट जीतू ढाबा, और इसका ये टेस्ट। वाह, यहाँ पे एक यूनिक चीज़ देखने को मिला दोस्त को, जैसे कि एंडेंजर स्पेसिस में से कौवा, जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं भाई, लेकिन क्या बात है।